सामान और चोर बाजार का सामान दोनों के एप्पल के दे लो स्मार्ट वॉच भाई ने 2500 के ले लिया भाई नहीं लगे तो 50,000 के भाई कितने का जूता ये कोई सा भी 100 रुपए का जाता है फिर चोर बाजार आने का फायदा क्या हुआ तो 50 रुपए ले गया मुश्किल से मैंने ले लिया को पुलिस वाला था पास में कोई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे के वीडियो आगे चलो भाई हमारे लिए 215 रुपए का खर्चा किया सुबह सुबह 215 देख लो झूठ नहीं बोल रहा ओटीपी मत दिखा देना मेरे दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल RJ13 तो दोस्तों आपका वादा पूरा करने के लिए हम आ गए हैं दिल्ली के चोर बाजार मार्केट में इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद है जामा मस्जिद के एक नंबर गेट से एग्जिट हो गए और ये मार्केट सुबह 4 बजे लगता है और 11 बजे तक चलता है तो दोस्तों सुबह तो जाग आई नहीं तो थोड़ा मौसम खुल गया तब आ गए हैं और बाकी इस मार्केट में यहाँ जूतों से स्टार्टिंग हो जाती है और आपको सारी चीज़ दिखाएंगे किस रेट में क्या चीज़ मिलती है जूते इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलते हैं यहाँ कूड़े के भाग मिलता है जैसे ईयरफोन हो गया घड़ी हो गई टेलीविज़न और LCD और क्या है जूते पर है सारा चोरी का सामान कैमरा भी मिलेगा मुझे मैं तो कैमरे के लिए आया हूँ कि मोबाइल तो काफ़ी वीडियो बना रही है अब कैमरे की तलाश में उसके चक्कर में हम चोर बाजार आए हैं ताकि सस्ता मिल जाए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताएंगे और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की वीडियो आगे चलो हाँ जी भाई रिबो का कितने का 1500 का सेकंड हैंड है कितने में दे देगा भाई 8 नंबर है भाई कितने का जूता ये साइज दे लो 9 नंबर है रेट क्या है अभी बताना साइज तो चल जाएगा मुझे पता है नहीं कोई सा भी 100 रुपए का 100 रुपए मिलता है कितने का बैग है ये कितने का 200 रुपये यार और जगह मिल जाता है फिर चोर बाजार आने का फायदा क्या हुआ ये तो मैं ले रहे हो 200 रुपये में करोल बाग ही मिल जाता है भाई कितने का इतर स्टार्टिंग शुरुआत कितने से है कोई सस्ते वाला सस्ते वाला दे दे कोई दोस्तों हमने ईयरबड्स देखा ईयरबड्स के ये 300 रुपये में 2 जोड़ी दे रहा है इसको हमने चला के देखा तो आवाज़ तो अच्छी आ रही है लेकिन ये सेकंड हैंड है ज़्यादा बैटरी भी चार्ज नहीं करते ये जिसे हम ज़्यादा पूरा देख नहीं सकते उसके बाद हमने इसको नहीं लिया हम आगे चले आगे आगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ईयरफोन भी है वायर भी है मैंने यहाँ पर 1+ की वायर पूछी तो जो 60 रुपये की बता रहा है ओरिजिनल है या नहीं है देखने में तो ओरिजिनल लग रही है पर बाकी यहाँ के थोड़ा विश्वास नहीं होता अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो तभी देखना दोस्तों ये अभी जो मार्केट देख रहे हो ये अभी चोर बाजार का मार्केट नहीं है ये लाल किले के सामने लगता है ये इसे मीना बाजार बोलते हैं तो ये तो लगभग लगी रहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हैं तो इस एरिया को भी कवर कर देते हैं इस एरिया के बाद में चोर बाजार तो आ गया चोर बाजार के लिए तो आए हैं वो तो मेन मार्केट ही है उस पर दिखाएंगे और ये UBL का वायरलेस है ये 850 रुपये मांग रहा है लेकिन ये 400-500 रुपये में दे देगा ये तो चोरी का माल नहीं है तो मतलब ओरिजिनल सा लग रहा है मेरे को यहाँ से भी कई चीज़ लेके जाते हैं तो मुझे तो कैमरा वगैरह सब कुछ लेके जाना है तो हम अंदर जाएंगे चोर बाजार में सस्ता मिलता है ये तो कौन से भी मार्केट में मिल जाएगा ये तो कहीं भी ले जाएंगे तो ये तो नॉर्मल रेट में दे रहा है लेकिन फिर भी ये 200 जो अपने 3 गुना रेट मांगते हैं अगर ये 300 रुपये मांगे तो आप 100 रुपये बोलना क्या पता उससे भी कम कर दें तो उस हिसाब से यहाँ आपको बार्गेनिंग करनी है अच्छी अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हो तो आप यहाँ से ज़्यादा कुछ नुकसान करके नहीं जाओगे आप अच्छी चीज़ खरीद लोगे
तो हमारे डीके जी हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा थोड़ा पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, तो ये आज डील करेंगे सारी चोर बाजार के अंदर। उड़ने की कोशिश तो कर ला रहे हैं। ये उड़े ना उड़े कुछ नहीं कह सकते भाई, मैं स्मार्ट वॉच दिखा रहा है। ये एप्पल की है, एम आई को एम आई कितने के भाई? 2500 की है, लास्ट 1500 की। 2500 ग्लास देखो, देखे है क्या? सेकेंड हैंड है क्या? गियर मत दिए भाई। चला तो ले रहा है, 500 रुपये का एक और इसका फीता भी है ना, जूतों की नहीं हुआ। इसमें फोन जुड़ जाएगा कि किसी टाइम दिखेगा, टाइम दिखेगा नहीं, सब जुड़ जाएगा। इसमें नहीं, ये कितने में देगा लास्ट? ये किसी भी फोन के साथ जुड़ जाएगा क्या? ना ये तो बता ना, कितने का देगा लास्ट? याद हो गया आपको दोस्त, दे कितने में का, कितने में दे देगा? 350 350 फिक्स रेट है, 200 रुपया में दे दे वो 200 में तो वैसे ही मिलता है भाई। हमसे एक बंदे ने स्मार्ट वॉच एप्पल वाली थी, 2500 रुपये मांगे, हमने 300 लगाए और वो 350 में दे रहा था, तो हम वहाँ से निकल आए क्योंकि थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही थी। इनके ये देखो ब्रांडेड जूते हैं, कवर है क्या ये? दोस्तों हमारी चोर बाजार की एंट्री हो गई है, चोर बाजार में एंट्री होते ही हमें ये स्पीकर मिले हैं, तो स्पीकर रेट तो काफ़ी अच्छे मांग रही है, 8500 रुपये मांग रहा है, लेकिन ये 2-3000 के अंदर दे देगा। ये रेट तो कम से कम 5-6 गुना मांगता है। यहाँ पे पुराने सेकंड हैंड मोबाइल भी हैं जो कहीं से चोरी किए हुए हैं या ख़राब है, कुछ चल रहा है, किसी में बैटरी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, चालू कंडीशन में तो कोई दिखाते नहीं है, तो देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। आए यहाँ तो देख के जाएंगे, ये इतना सारा कबाड़ रखा हुआ है, तो इसके अंदर आप वो जो काम की चीज़ें हैं वो आपको छांटनी पड़ेगी। अगर आप सुबह जल्दी आ जाओगे ना, 4 बजे मार्केट खुलती तो आप अच्छी चीज़ ले पाओगे, तो उसके बाद में जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो सुबह ले जाते हैं। और यहाँ पे भीड़ इतनी सारी है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे वीडियो भी बनाने नहीं देते, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। थोड़ा ये बोल देते हैं क्योंकि वीडियो बना के हम मार्केट में आके बता देते हैं, तो फिर ये बोलते रहते हैं कि भाई बोल भी रहे वीडियो मत बनाइयो। तो ये देखो आते ही ये मार्केट है, ये ओपन में मार्केट लगी हुई है, खुले में यहाँ सारे चीज़ मिलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप सबसे पहले वो डिक्के जी जाके बात करेंगे कि कितने में दे रहा है, चेक कराएंगे अगर नहीं कराएगा, क्या कंडीशन है, गारंटी वारंटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो वो बात कर रहा है, वो उधर से डील कर रहा है, मैं इधर से वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो तो बनाने नहीं देते क्योंकि इनकी बातें बाहर लीक हो जाती है, तो वो वीडियो के लिए मना करते हैं। तो थोड़ा यहाँ आपके लिए थोड़ी वीडियो सही से नहीं बनेगी, लेकिन आपको बता ही देता हूँ मैं, चेक करके ले जाओ अच्छे से, चल तो जाएगा यार। मेरे कहने का मतलब आइटम होती है, कुछ भी आइटम नहीं होते हमारे पास, चीज ओरिजिनल होती है हैं, वो पुरानी होती है, पुरानी होती है। अच्छा चेक कर रहा लैपटॉप का क्या रेट है, क्या प्राइस है, और 12-12.5 इंच वाले चलो भाई, नाली किचन वालों पाइप वालों छोटे मोटे नाली जाम पाइप जाम कम ले जाओ, एसपी ले जाओ, एलबी है मेरे पास, तो इसका चार्जर नहीं होगा क्या? वो लाइट कितने की है? वो लाइट कितने गई? 21,000 का। 21,000 का, 21,000 का चार्जर निकोन है, चालू हो गया।
कितने का ये? कितने का उधार है? 300। 300 रुपये का ये एप्पल वाला एलसीडी कितने की है? और ये देख ले, इसमें आ इधर ले लिया ना अपना चार्जर में ले लिया क्या? ले लिया ना। कितने की भाई? 2500 नहीं, कितने की? शायद तो बहुत महंगे। 2500 के ले लिया भाई साहब ने। भाई ने 2500 के ले लिया भाई, नहीं लगे तो 50,000 गया। 300 इसको बजाइए यार, बजाइए इसको, बजा लो कहिए, चेक करना पड़ेगा इसको। लाओ तुम दबा दे, तू भी देख ले कर कुछ। और ये वाली घर वाली ने कहा कि हम देख 300 लगा ले भाई, दे पैसे दे, ले जा। तूने बीमर भी लिया था ना अभी? हां, सीसीटीवी भी है ने? सारा माल ये दिखाना कैमरा देना। हेलो भाई, चल रहा है ये? ऐसे जेब में डाल लो, एक मिनट आप रखो। सही बात है भाई, और दिखा, पता नहीं चलेगा सामान का, पता नहीं चलेगा के साथ ले भी जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। वो कैमरा भाई कितना? कितने का कैमरा? कितने का भाई? भाई पर्पल वाला 300। इतना जुगाड़ बनते कहाँ से? 300 का ये पर्पल वाला दिखाना। 300 का है। कितने मांग रहे हैं इसके? 300। 300 रुपये वैसे 2500 के आसपास, 2000 के आसपास, 2500-2000 के आसपास। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा मिलेगा भी। इसके साथ हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ये लो। हेलो भाई, कितने के बता रहे हैं? ISI भी है भाई ब्रो, बढ़िया। 400 रुपये। 400 रुपये 200 का एक पैर क्या? एक जोड़ा 150 का क्या? 200 कंफ्यूज हो गए आप भी? कंफ्यूज हो गए? जो दो सौ रुपए का दिखाइए, वजन दिखाइए। 1 kg का ले, 1 kg का है 150 रुपये में। 150 तो महंगा ही है ना, इतने का तो कम से कम आएगा। 200 का दे रहे हैं। अच्छा 200 का। सारे 1 kg का ही है क्या? है सारे 1 kg में? एक के सौदा कर लिया, लेनी कौन सी भाई? वो तो देख रहा था भाई, तो नशे में सी है, बार्गेनिंग कर रहा है। 500, 700, 1500, 350 बताओ मैडम जी, भाई तू क्या बेच रहे हो? कितने तक की रेंज में चाहिए? क्या दोगे? आज कैसे चलता भाई? मैं यार सेंटर लाना पड़ता है, चला के तो देख लूँगा। अरे कितने तक की रेंज में चाहिए? कितने का ये? इसकी कितनी है दूरी? 5 किलोमीटर। तो उसका सेंटर का कैसे पता चल ही नहीं रहा अभी तक। कितने का दोस्त? 30 रुपए। सारे 30-30 का क्या? तीस रुपए में दोस्त। नहीं वो शर्ट देखते इधर आ।
दोस्तों, अभी हमने सारे मार्केट कवर कर दी है। तो आपको एक चीज़ बता दो, अगर आप यहाँ घूमने हो ना तो आप जामा मस्जिद से एक नंबर गेट से आप एग्जिट हो ना, लाल किले सामने मेट्रो स्टेशन है ना, लाल किले के जस्ट सामने, इसकी एक ग्यारह गणा की आप जैसे जामा मस्जिद या लाल किले के सामने हो ना, वो तो नॉर्मल पटरी मार्केट। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, जो आप मेट्रो स्टेशन से आओगे तो ये पटरी मार्केट है, इसको चोर बाजार नहीं बोलते। यहाँ पे ये आपको लेफ्ट साइड ये एक पार्क दिखेगा, ये है तारती लाल गोयल हेरिटेज पार्क है। यहाँ से आप सीधा जाओगे, आगे जाके आपको पहली लेफ्ट आएगी, लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेफ्ट में ही पूरा पूरा चोर बाजार है। इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतनी भीड़ है, वीडियो तो आप वहाँ बना ही नहीं सकते, बनाई है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से, वॉइस ओवर करने पड़ेगी क्योंकि उसके सामने अगर उनको मोबाइल देखते हैं ना वो बोल देते हैं यार, पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं। तो देखो और हमारे भाई का फोन निकल गया था, लेकिन साथ में पुलिस वाले थे, उसके कारण हमें वो फोन वापस मिल गया। तो यहाँ पे आप सतर्क रहना दोस्तों, नहीं तो अभी ब्लॉग वायरल सा हो जाता मेरा तो। शुक्रिया, थोड़ा सा लेट हो गए, वैसे ये मार्केट 4 बजे खुलता है, वैसे अकेले आने वाली मार्केट है नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कम से कम दो चाहिए, दो तो कम से कम चाहिए, उसके बाद में आप 3-4 आओगे तो सबसे बड़ी है। वीडियो बनाने नहीं देते, और यहाँ पे चोरी, आप वीडियो बनाने आओगे आपका मोबाइल निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई मैंने निकल गया था। मुश्किल से मैंने ले लिया, को पुलिस वाला था पास में कोई, जिसे तो उसने दिलवा दिया, उसके कारण साथ में थे। तो अगर आप आओ ना तो मेरे हिसाब से ना 5-6 बजे के आसपास आ जाना, क्योंकि 6-7 बजे के बाद सारा सामान लगभग कल्टी हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़े लेते हैं, ये तो कहीं से भी ले लो, ये तो सेम रेट में ही है। जूते है, फर्स्ट कॉपी मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं। और तो दोस्तों हमने जो बोला था वो किया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।